गुड। तो अगर आप आपके घर के लिए आटा चक्की खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल दोस फैक्टर्स जो आपको आटा चक्की खरीदने से पहले ध्यान में रखने हैं। सो दैट्स नॉट इट, इस वीडियो के एंड में हम आपको टॉप 10 आटा चक्की भी बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप दोनों में मसाले डाल ग्रेन्स ग्राइंड कर सकते हो। अगर आपको बड़े दानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो ये आप वुडन आटा चक्की में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील ही यूजफुल हो। स्टेनलेस स्टील में आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है, लेकिन वुडन आटा चक्की में आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं, और वुडन आटा चक्की में आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नॉइज की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में नॉइज ज्यादा है कम्पेयर टू वुडन आटा चक्की। वुडन आटा चक्की क्लोज होने के कारण वो कम नॉइज क्रिएट करती है, और स्टेनलेस स्टील ओपन होने के कारण वो ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है। तो अब ग्राइंडिंग की बात की जाए तो स्टेनलेस स्टील में पत्थर का ग्राइंडर होता है और इसकी लाइफ साइकिल अराउंड 8 to 10 years होती है। उसके बाद इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2 to 3 thousand रहती है। और वुडन आटा चक्की में आपको 6 to 8 टाइप्स के ब्लेड मिलते हैं जो 2 to 3 years तक चलते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 200 टू 300 रहती है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो दोनों भी आटा चक्की का मेंटेनेंस लो होता है। तो अब बात करते हैं मोटर की। तो दोनों भी आटा चक्की में 1 horsepower की मोटर यूज होती है। तो आप जब भी आटा चक्की लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि फुली कॉपर वाइंडिंग ही होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो अगर आपने दोनों भी आटा चक्की 1 hour यूज किया तो आपको 1 unit लगेगा, यानी 1 unit per hour। तो दोनों भी आटा चक्की सेम अमाउंट में ग्राइंडिंग करती है, आप 6 to 8 kg अनाज ग्राइंड कर सकते हो। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप स्टेनलेस स्टील को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूस चला सकते हैं, लेकिन वुडन आटा चक्की 1 घंटा यूज करने के बाद आपको 5 to 10 minutes वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्म हो जाती है, लेकिन आप 5 to 10 minutes वेट करके इसे दोबारा चला सकते हैं। तो दोनों भी आटा चक्की व्हील्स के साथ आते हैं, इसलिए आप इसे घर में इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वारंटी की। तो स्टेनलेस स्टील में आपको 1 year की वारंटी मिलती है, और वुडन आटा चक्की में आपको अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वारंटी मिलती है। जैसे प्लास्टिक आइटम पर आपको 1 year की वारंटी मिलती है, और मोटर की बात की जाए तो आपको 5 साल तक की वारंटी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। तो आपको स्टेनलेस स्टील आटा चक्की 8 to 12 thousand के बीच में मिल जाएगी, और वुडन आटा चक्की आपको 12 to 18 thousand के बीच में मिल जाएगी। Now let's see what are top 10 आटा चक्की। तो first one है Nutraj Florence Home आटा चक्की with vacuum cleaner. Second है Prestige PGG01 stone grain grinder domestic flour mill. Third है Microactive Florence fully automatic domestic आटा चक्की. Fourth है Highstar Deluxe Home flour mill. Next है Lesco Marvel multigrain आटा चक्की for home use. Next है Milson Neo Toki fully automatic domestic flour mill. 7th है लकी माइक्रोफाइल सुपरस्टार होम आटा चक्की विद वैक्यूम क्लीनर। 8th है नटराज शक्ति 1.37 HP घर घंटी। 9th वन इज नवसुख प्राइमा प्लस डोमेस्टिक आटा चक्की। एंड 10th वन इज नवदीप घर घंटी। ऑल्सो वी हैव एन आर्टिकल जिधर आपको इस 10 आटा चक्की के प्रोज एंड कॉन्स, प्राइस कंपैरिजन ऑन डिफरेंट वेबसाइट सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू देसी डाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।